निगमीकरण निजीकरण को लेकर रेलवे के कर्मचारियों ने प्लेटफॉर्म पर किया प्रदर्शन। भारतीय सरकार के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। दो दिनों से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियंस एम्प्लॉयज द्वारा रेलवे कारखाने और प्लेटफॉर्म पर भारतीय सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि भारत सरकार द्वारा रेलवे का निगमीकरण और निजीकरण किया जा रहा है, जिसमें प्रोडक्शन यूनिट का निगमीकरण करने की बात की जा रही है और कुछ यात्री गाड़ियों का संचालन प्राइवेट ऑपरेटर से करवाने की बात की जा रही है। इस 100-डेट एक्शन प्लान के तहत निकालने की बात की जा रही है, जिसका कर्मचारी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन कर सरकार के इस फैसले को वापस फिर से लेने की बात कही और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। भारतीय रेल पर 18 जून को रेलवे बोर्ड द्वारा एक ऐसा काला आदेश जारी होता है, जिसमें भारतीय रेल के 7 प्रोडक्शन यूनिट का निगमीकरण करने की बात कही जाती है और कुछ यात्री गाड़ियों का संचालन प्राइवेट ऑपरेटर से कराए जाने की बात की जाती है और इसे 100-डेज एक्शन प्लान के तहत निकालने का काम होता है, जिससे स्पष्ट नज़र आता है कि ये सरकार भारतीय रेलवे का निजीकरण करना चाहती है, निगमीकरण करना चाहती है। और जो वर्ष 2014 में एक मुहिम के साथ इन लोगों ने FDI 100% इस रेलवे में लाकर निजीकरण करना चाहा था, जिसे एक सशक्त संगठन होने के नाते हम लोगों ने पूरे 5 साल तक उसे होने नहीं दिया था, एक बार पुनः यही सरकार पूरे बहुमत के साथ आती है और अपना कामकाज शुरू करते ही उसकी दोबारा निगाह इस रेलवे पर पड़ती है और इसके निजीकरण को पे उतारू होने का काम करती है। और एक जिम्मेदार यूनियन और संगठन होने के नाते ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने पहल करते हुए 18 जून को जारी इस 100-डेज एक्शन प्रोग्राम के तहत जो निगमीकरण और निजीकरण का फरमान सुनाया गया है, उसके खिलाफ 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक विरोध सप्ताह के तहत आज पहले दिन जगह जगह विरोध प्रदर्शन करके इस काले आदेश को रद्द करने की मांग की जा रही है। और किसी भी सूरत में ये फेडरेशन, ये यूनियन रेलवे के निजीकरण को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और किसी भी सूरत में इस रेलवे का निजीकरण नहीं होने देगी। और इसी उद्देश्य को लेकर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन ने भी 1 जुलाई का दिन पूरी भारतीय रेल पर काला दिवस बनाने के रूप में तय किया है। उस दिन भी पूरे देश में, देश की रेलों पर, हर जोन में, हर मंडल पर, हर कारखाना पर बहुत बड़े कार्यक्रम होने का काम होगा। आज पहले दिन 29 जून को इस विरोध सप्ताह के तहत कारखाना पर, डीजल शेड आबू रोड पर और अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विरोध प्रदर्शन करके हमने इस देश की सरकार को चेताने का काम किया है कि इस निजीकरण की राह पर जो आपने कदम बढ़ाने का काम किया है, उस कदम को वापस खींचने का काम करें, इस काले आदेश को रद्द करें, अन्यथा रेल का कर्मचारी अपने रेल को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए हर तरीके की कुर्बानी देने को तैयार है और आवश्यकता पड़ी तो इस भारतीय रेल पर अब बिना किसी नोटिस के रेल हड़ताल का भी ऐलान होने का काम होगा और किसी भी सूरत में इस निजीकरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन।